नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक, और आपको मैं आज प्याज की गंठिया कैसे बनाएं इस विषय में कुछ बातें बताने वाला हूं। आपको पता है कि अगेते प्याज के लिए खरीफ मौसम में गंठिया लगाकर प्याज करने की विधि हमारे गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कुछ किसान करते हैं, और उनका ये मानना है कि यदि गंठिया हम खुद तैयार करें तो हमारी लागत कुछ कम हो सकती है, क्योंकि बाहर से जो गंठिया वो खरीदते हैं उसमें काफ़ी पैसा उनका लग जाता है। इसलिए आज हम वो विधि बताएंगे जिस विधि से आप अपने ही खेत में गंठिया पैदा करके इसका प्रयोग आप अगेती प्याज के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले आपको करना है कि अभी जो तापमान थोड़ा बढ़ने लगा है तो यह समय है कि आप गंठियों के लिए प्याज के बीज की बुआई कर सकते हैं। लेकिन बुआई करते समय जैसे हम खरीफ प्याज की बुआई करते हैं तो हमें पौध मरने की समस्या आती है या पौधों का विकास अच्छा नहीं होता, इसलिए हमको कुछ सावधानी बरतनी है। तो आप पहले तो कैरिया बना लीजिए। कैरिया बना करके उसमें अच्छी तरह से अपनी सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुआ खाद मिला दीजिए, साथ में ट्राइकोडर्मा भी मिला दीजिए। एक एकड़ में कम से कम 2 किलो आपका ट्राइकोडर्मा पाउडर पड़ जाना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ जो लेवल पे आपको बताएंगे वो आप नोट कर लीजिए, आपके लिए वो सुविधा है। दूसरा ऐसा है कि इसमें कैरिया बनाने के बाद जब आप बुआई करते हैं तो बुआई करने से पहले बीज का आपको उपचार करना चाहिए। बीज के उपचार के लिए एक कंसर्ट ग्रीन नाम का एक अभी प्रोडक्ट है, इसमें जैविक खाद तथा कुछ जैविक फफूंदनाशक मिले होते हैं एक साथ, जिससे 10 मिली प्रति किलो के दर से आप बुआई से पहले इसको बीज को मिला दीजिए और बुआई कीजिए। बुआई करते समय आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि एक वर्ग मीटर में 10 ग्राम बीज पड़ना चाहिए, जिससे कि आपकी गंठिया अच्छी तरह से तैयार हो। साथ में इसमें जब आप बुआई करते हैं उसी समय आपको ट्राइकोडर्मा, जैसे मैंने बताया, उसके साथ में आप बुआई करते समय इसमें माइकोराइजा भी मिला सकते हैं। आजकल माइकोराइजा काफ़ी उपलब्ध है और अच्छे अच्छे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो ग्रैन्युलर या दानेदार माइकोराइजा लीजिए, एक एकड़ में 4 किलो के दर से इसको आप मिला सकते हैं, जिससे आपके जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से चलेंगे, उनकी बढ़वार अच्छी होगी, और जो आगे चल के टेम्परेचर बढ़ने वाला है जिसका परिणाम हमारे पौधों के ऊपर होता है तो वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, यदि आपका बुआई के बाद में 5 या 6 दिन के बाद आपके अंकुरण शुरू हो जाता है, उसके बाद आप बराबर उसको पानी देते रहिए, समय समय पर उसको देखते रहिए कि कोई इसमें पीलापन आ रहा है, तो पीलापन अगर आ रहा है तो आपको खाद शुरू में अगर नहीं दिया तो तुरंत देना चाहिए, अगर शुरू में दिया है तो आपको थोड़े दिन रुक के भी दे सकते हैं। और खरपतवार यदि आ रहे हैं तो बुआई के 20 या 22 दिन बाद आपको खरपतवार नाशिका भी प्रयोग, जैसे आप पौधशाला में करते हैं नर्सरी में, उसी तरह से इसमें भी करना है। टर्गा सुपर और गोल का आपको प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ में जिंका बोर उसमें जरूर मिलाइए। यदि आपने जिंका बोर नहीं मिलाया है तो खरपतवार नाशी डालने के 3 दिन बाद आप कैल्शियम नाइट्रेट का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी पौध अच्छी होगी। पौध के वृद्धि के साथ साथ आप NPK खाद, कुछ गंधक और कुछ मैग्नीशियम इसमें दीजिए, जैसे आपके पौधों की बढ़वार अच्छी होती रहेगी। उसके बाद में यदि कोई आपको बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कोई कीट दिखाई पड़ते हैं या पौधों पे कोई दाग दिखाई पड़ते हैं, उसके जो टॉप्स है वो अगर जलने, तो उसमें आपको फफूंदनाशी का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सिंपल फफूंदनाशी है, मैनकोजेब तथा क्लोरोथेनोनिल या फिर कार्बन डेजिम, इसका प्रयोग कर सकते हैं जैसे नर्सरी में करते हैं, 1 या 2 बार ही इसका प्रयोग की जरूरत है। यदि कीट का प्रयोग
कीटनाशक का प्रयोग आपको ज़्यादा करने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर है तो आप कराटे जैसे कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लगभग 2.5 महीने में आपकी ये पौध या गंठिया बन जाती है। आप देखिए कि जैसे गंठियों का आकार 1 से 1.5 सेंटीमीटर के बीच में आ गया है, तो आप इसका पानी बंद कर दीजिए और उसके बाद में पत्ती थोड़ी सूखने के बाद में इसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद में इस गंठियों को आप सूखने दीजिए अच्छी तरह से, और जब पत्तियां पूरी सूख जाए तो इसको फिर हवादार जगह में आप रख सकते हैं। ये गंठियां आप 3 महीने 4 महीने तक रख सकते हैं, जिसके बाद में इसको अगस्त में बरसात के बाद आपको खेत में लगाना है। वो कैसे लगाना है, उसका कैसे उपचार करना है, ये फिर उस समय हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ एक और सावधानी बरतनी है, वह है कि गंठिया निकालने से पहले जब आप पानी बंद कर देते हैं, उस समय आप कार्बन डाइजिम की 1 ग्राम प्रति लीटर के दर से छिड़काव कीजिए, जिससे जब भंडारण करेंगे घंटियों को उसमें किसी तरह का फफूंद की बीमारी नहीं आएगी। तो ये हो गया घंटिया बनाने के लिए आपका तरीका। आप इसको ज़रूर अपनाइए और अपनी घंटिया खुद बनाइए, और घंटियों द्वारा प्याज उपज करके आप अगेती प्याज मार्केट में लाइए और अच्छा पैसा कमाइए। यदि आपको और कोई समस्या इस विषय में है तो आप पूछिए, आप बताएंगे, हम इस विंडो में आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं, उसका हम मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद।